शाहरुख धूम 4 को लेकर सलमान खान का शानदार रिएक्शन सामने आया है। दोस्तों, धूम 4 पर प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान किंग खान की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। वहीं दोस्तों, अब शाहरुख ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि धूम 4 से बहुत बड़ा एक्शन सिनेमा इंडिया में लेकर आने वाले हैं और धूम 4 बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा। फिल्म हमें हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा और सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान धूम 4 में बायारेफ के साथ काम कर रहे हैं। वही किंग खान ने अपनी द किंग और पठान के दूसरे पार्ट के लिए भी शूट किया है। वही किंग खान अपनी अगली फिल्मों की लिस्ट तैयार कर चुके हैं, जिसमें वो एक के बाद एक एक्शन फिल्म साइन कर रहे हैं। शाहरुख एक फिल्म राज एंड डीके के साथ कर रहे हैं, वही दूसरी साउथ डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ और तीसरी फिल्म करण जौहर, वही राजा मौली जैसे बड़े डायरेक्टर भी शाहरुख के साथ काम करने को तैयार हैं। वही किंग खान भी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ऑडियंस के सामने एक दमदार एक्शन फिल्म लेकर आए। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद इटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।